गुड आफ्टरनून एवरीवन, मैं अपरूपा हूँ आपकी इकोनॉमिक्स और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की 6th JPSC की मेंटोर एंड गाइड। आज के क्लास का पर्पस है बेसिकली टू गिव यू एन आइडिया कि इन क्लासेस से आपको क्या बेनिफिट हो सकती है, कैसे आप एक रियलिस्टिक तरीके से JPSC की प्रिपरेशन को अप्रोच कर सकते हैं। मोस्टली ऑफकोर्स मैं भी कभी आपके पोजिशन पे आपके स्टेज में रही हूँ और ओवर द ईयर्स जैसे जैसे मैंने अपने अराउंड 15 ईयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस में अराउंड अक्रॉस वेरियस कंपनीज मैंने काम करते करते लोगों को ट्रेन करते करते ये सीखा है कि जब हम कमर्शियली किसी चीज़ को समझते हैं या सीखते हैं तो उसमें कुछ प्रैक्टिकल बातें छूट जाती हैं। PCS के तैयारी के दौरान ये चीज़ें बहुत ही नॉर्मल है, जहाँ पे आप अराउंड से 5-6 डेज एट अ स्ट्रेच पढ़ रहे हैं और 1-2 दिन जाता है जहाँ पे हम नहीं पढ़ रहे होते, कुछ भी नहीं पढ़ रहे होते। वी आर जस्ट हम यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, हमारा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, रिजल्ट डिले होता है, डिप्रेशन सेट्स इन, कभी लगता है कि मेहनत ही कर रहे हैं, रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, तो मन नहीं लगता पढ़ाई में। ये हुआ एक रियलिस्टिक पार्ट। थ्योरेटिकल या कमर्शियल पार्ट वो है जहाँ पे आप लोगों को सुनते हैं, मेरे वर्ड्स में मैं उन्हें दिग्गज कहती हूँ, सो कॉल्ड दिग्गज, जो ऑलवेज ये एक्सप्रेस करते हैं कि हम 18 घंटे पढ़ रहे हैं, 20 घंटे पढ़ रहे हैं। पॉइंट इज, आप कितनी भी देर पढ़ो, अगर आप इफ़ेक्टिवली उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर पाए फाइनली उन 3 घंटों में जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे होंगे एक्सट्रीम प्रेशर के अंडर, तो फिर कुछ फ़ायदा नहीं है। सो इन क्लासेस में हमारा मेन पर्पस होगा, यस 50% फोकस वुड बी ऑन द कंटेंट। आपका सिलेबस कंप्लीट करा लेने की जिम्मेदारी मेरी है। एड ऑन्स जो मेरी तरफ से आपके लिए होंगी वो ये होंगी कि आप कैसे चीज़ों को साइंटिफिकली, रियलिस्टिकली और टेक्निकली स्ट्रैटेजाइज करें। कोई कंटेंट जब आप सीख रहे हैं तो उसको आप कैसे आंसर शीट पर रिफ्लेक्ट करें जहाँ पे वो आपको मैक्सिमम मार्क्स फेच कर सकें। मैं कॉन्फिडेंटली अभी ये इसलिए कह पा रही हूँ कि इस चीज़ में मैं आपको सिखा के आई मेक श्योर कि आप वो कर भी सको, इसलिए क्योंकि मेरा JPSC का ये फर्स्ट अटेम्प्ट था और आई हैव बीन एबल कि मेरा जो पहला प्रेफरेंस था एडुकेशन सर्विस, मैं वही सिक्योर कर पाई हूँ। फॉर माई पेपर 2, जो कि एक मोस्टली पेन एरिया है स्टूडेंट्स के लिए, उसमें मैं अपने 6 JPSC बैच की इंग्लिश पेपर 2 वालों की टॉपर हुआ, स्कोर्ड 90 out of 150। तो अगर कोई लिटरेचर क्लास पेपर में या लैंग्वेज पेपर में इफ़ यू आर एबल टू स्कोर सो मच, इट इज़ गुड टू गो। इसलिए मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मैं खुद को शाबाशी दे रही हूँ, ये आपको बताने के लिए है कि आप इतना भरोसा रख सकते हैं कि वो सारे टिप्स, स्ट्रैटेजीज और ट्रिक्स जो मेरे काम आई हैं, बिकॉज मैं एक फुल टाइम बैंक मैनेजर थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, और उसके साथ ही मैंने ये तैयारी की विदाउट एनी कमर्शियल फुल ऑन ट्रेनिंग या कोचिंग, और उसके अलावा मैंने लिमिटेड टाइम और लिमिटेड रिसोर्सेज में ये तैयारी की एंड आई हैव बीन एबल टू गेट रीजनेबली गुड रिजल्ट्स। तो मेरा फोकस हमेशा यही होगा कि मेरे लिए मेरे स्टूडेंट्स या आप लोग स्टूडेंट्स हैं, आई वुड ऑलवेज अंडरस्टैंड कि एक लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ आप अपना समय, एनर्जी, अपने ड्रीम्स और टाइम इस चीज़ को दे रहे हैं। सो आई विल ऑलवेज ट्राई कि आपको 100% सक्सेस मिले। कमिंग टू द सब्जेक्ट मैटर, 2 सब्जेक्ट्स में इनिशियली PTE और मेन्स के लिए मैं आपको गाइड करूँगी, विच आर इकोनॉमिक्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। मेन्स के ऑफकोर्स PTE के बाद अगर आप चाहें जिनका पेपर 2 इंग्लिश है, आई विल बी एबल टू गाइड दैट ऑल्सो, दैट विल डिपेंड ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। एक बार PTE के रिजल्ट्स आ जाए फिर वी कैन डिसाइड ऑन दैट। स्टार्टिंग विथ इकोनॉमिक्स, JPSC का अगर आपने सिलेबस देखा है तो इकोनॉमिक्स कहते ही
स्पेशली जब से ये नया सिलेबस लॉन्च हुआ है जेपीएससी का, हमारी पहली बैच थी जिन्होंने इस नए सिलेबस में एग्जाम दिया है. वी हैड नो आइडिया किस पेपर से क्या आने वाला है, क्वेश्चन पेपर क्या होने वाला है. वी हैड नथिंग, नो आइडिया अबाउट इट. एनीवे, इकोनॉमिक्स कहते ही पहली चीज़ ये आती है, आपने भी सुना होगा, अरे बहुत वास्ट है, बहुत ज़्यादा पढ़ना है, पता नहीं दुनिया भर की चीज़ें उसमें आ गई हैं. अरे इंडियन इकोनॉमिक्स है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स भी है, माइक्रो इकोनॉमिक्स भी है, मैक्रो इकोनॉमिक्स भी है. ये सारी चीज़ें ऑनेस्टली तैयारी शुरू करने से पहले एक मेंटल ब्लॉक प्रिपेयर कर देती हैं. सच्चाई ये है कि ठीक है वो बहुत वास्ट है, नो डाउट अबाउट इट. अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो ये जो पूरा सिलेबस है इकोनॉमिक्स का, ये टोटल 32 चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ने हैं. व्हाट वर्कड फॉर मी, मेरे लिए मेरी सहूलियत इसमें हुई और इससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि मैंने इकोनॉमिक्स का पूरा पोर्शन ख़त्म कर लिया था बाय एग्ज़ाम्स. मुझे इकोनॉमिक्स का पेपर अटेम्प्ट करने में बहुत स्मूथ फील हुआ. आई वॉज़ रेडी फॉर ऑल क्वेश्चंस, मेरे पास इनफ लर्निंग मटेरियल था पेपर में लिखने के लिए. इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मैंने जिस स्ट्रैटेजी से प्रिपेयर किया था, दैट इज़ समथिंग आई शेयर विथ यू अक्रॉस दीज क्लासेस. हम इन 32 चैप्टर्स को बेसिकली 6 ब्रॉड पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. वो मैं आपको बताऊँगी कि कौन से पार्ट्स हैं. इन 6 पार्ट्स को फर्दर हम सब पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, छोटे छोटे इंडिविजुअल टॉपिक्स में डिवाइड करेंगे. ऑल्सो वाइल वी आर ऑन दिस, आई स्ट्रांगली बिलीव कि जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो किसी भी एग्जाम की, पीसीएस की स्पेशली, तो प्रिपरेशन हमेशा टॉपिक की होती है, क्वेश्चन की नहीं. जब आप टॉपिक से प्रिपेयर करते हो तो मैं आपको ये भी गाइड करूँगी कि आप पर्टिकुलर टॉपिक से अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी स्पोक्स हैं, जैसे अगर आपने एक साइकिल का व्हील देखा होगा, साइकिल का जो चक्का होता है, देयर एक सेंट्रल पार्ट होती है उसमें गोल सी, और उसमें ऐसे स्पोक्स निकले हुए होते हैं. एक हर पीसीएस का मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स, 99% टॉपिक्स ऐसे ही होते हैं. देयर इज़ अ सेंट्रल थीम जो आपको दिखाई देता है. फॉर एग्जांपल बैंकिंग अगर कह दें तो बैंकिंग के साथ आप ऑफकोर्स सारे बैंकिंग के ऑर्गन्स और स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, लेकिन इसके साथ बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम यूजुअली अटेंड करते हैं, हमारा ध्यान नहीं जाता. सम वेरी प्रैक्टिकल चीज़ें, जैसे कि हॉर्स ट्रेडिंग, हॉट मनी, फास्ट मनी, ये सब चीज़ें जो हैं हम अवॉइड कर जाते हैं या ध्यान नहीं दे पाते हैं. जब मैं पढ़ा रही होंगी तब अगर आप इन छोटे छोटे पॉइंटर्स को कहीं लिख के रखेंगे तो प्रिलिम्स में ही नहीं, आपको मेंस में भी बहुत मदद मिलेगी. प्रिलिम्स में एक अपर हैंड ये होता है कि हमारे पास 4 या 5 ऑप्शंस होते हैं, जहाँ से हम एलिमिनेशन मेथड से, या फिर अगर हमें एग्जैक्टली पता है तो हम ऑप्शन सिलेक्ट करके कंटिन्यू कर सकते हैं. लेकिन मेंस में ऐसा नहीं होता. 6 जेपीएससी से एक मेजर लर्निंग ये निकल कर आई है कि क्वेश्चन भले ही बहुत जनरल दिखे, 6 जेपीएससी में अगर आपने अपने सीनियर्स से या पहले आपके कोई मेंटर्स रहे हैं या फैमिली में कोई रहे हैं जिन्होंने अटेम्प्ट किया है या सक्सेसफुल हुए हैं, तो उनसे आपने सुना होगा कि 6 जेपीएससी का जो क्वेश्चंस थे वो बहुत ही जनरल क्वेश्चंस थे. फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक क्वेश्चन याद है. ऑफकोर्स हमारी पढ़ाई के दौरान वंस हम सिलेबस में एंटर करेंगे, जब हम 1/4 या हाफ सिलेबस करेंगे, मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के पे बेस्ड भी कुछ प्रैक्टिसेस करवाऊंगी. नेवरदलेस अभी जो मुझे एक बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन याद आ रहा है वो था WHO और एग्रीकल्चरल सब्सिडीज पे, वो क्वेश्चन था. द क्वेश्चन सिंपली वॉज कि WHO क्या है, उसके ऑर्गन्स डिफाइन करें और उसकी फंक्शंस डिफाइन करें. नाउ इट इज़ अ वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन. पहली बार मतलब प्राइमा फेसी अगर आप देखें तो ये बहुत ही सिंपल दिखता है. WHO बता देंगे क्या है, उसके फंक्शंस बता देंगे, उसकी स्ट्रक्चर बता देंगे, फिनिश. ऐसा नहीं है. क्वेश्चन कितना भी जनरल दिखे उसका आंसर स्पेशल ही एक्सपेक्टेड होता है. जब आपके एग्जामिनर्स पेपर चेक कर रहे होते हैं, दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर
कोई ऐसी चीज जो दूसरों से अलग हो, जो उन्हें स्ट्राइकिंग लगे, और यही आपको अपने बाकी का जो 50% में कह रही थी, मैंने आपसे कहा था कि 50% हम कंटेंट पे भी करेंगे, जहाँ पे मैं गारंटी करती हूँ आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जो बाकी का 50% है वो मैं यही कह रही थी कि आप जब 50% पेपर पे रिफ्लेक्ट करते हो, आप उसको कैसे रिफ्लेक्ट करते हो, क्योंकि ऑब्वियसली आप पीसीएस ऑफिसर्स होने जा रहे हो, आप एक इंटेलेक्चुअल क्राउड होंगे, आप एक बुद्धिजीवी क्राउड होंगे, जहाँ पे चीज़ों को देखने का दृष्टिकोण आपका जनरल पब्लिक से अलग होगा, वो कैसे समझ में आएगा। इंटरव्यू बहुत एंड का पार्ट है, लेकिन तब तक आपको प्रिलिम्स, आपको मेंस क्लियर करने के बाद ही आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होते हैं, तब तक वो आपकी पर्सनैलिटी को कैसे जज करेंगे, मेंस के आंसर के थ्रू, और वहाँ पे ही होता है जहाँ पे आप कैसे रिफ्लेक्ट करते हो, दैट कम्स इन टू प्ले। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि अभी से अगर आप हर चीज़ को इस एंगल से सोचना और समझना शुरू करेंगे, उससे आपके आंसर राइटिंग पे बहुत फर्क पड़ेगा। सो दैट्स अबाउट इकोनॉमिक्स। बहुत वास्ट दिखता है, बट आई एश्योर यू ऐसा कुछ नहीं है। सिस्टमैटिक वे में अगर हम प्रिपेयर करते हैं, टॉपिक बाय टॉपिक लेके चलते हैं, रिविजन्स करेंगे, ऑफ कोर्स आपका पार्ट होगा उसमें बहुत, लेकिन मेरा पार्ट होगा कि मैं आपको रेगुलरली एक्सरसाइजेस वगैरह इसमें कराती रहूँगी। जहाँ भी जो डाउट्स होंगे, यू कैन डेफिनेटली गेट इन टच एंड क्लियर इट ऑफ। नो क्वेश्चन इज स्टूपिड। कोई भी डाउट हो उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है, चाहे किसी का भी हो। सो यू आर फ्री टू डू दैट। दिस इज अबाउट इकोनॉमिक्स। ब्रॉडली अगर मैं कहूँ तो बैंकिंग एंड बैंकिंग स्ट्रक्चर जो है, जो इंडियन मार्केट के कॉन्सेप्ट में है, वो एक हमारा पार्ट होगा। पब्लिक फाइनेंस और बजटिंग है, वेरियस सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी एक्सेट्रा। ये मैंने दो तीन आपको पार्ट्स बताए जिसमें मैंने ब्रॉडली डिवाइड किया हुआ था। हम आगे भी इस बारे में डिस्कस करेंगे वंस वी आर इनटू फुल फ्लेज्ड क्लासेस। सो दैट्स अबाउट इकोनॉमिक्स शॉर्टली। कमिंग टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आपको ये अब तक तो समझ में आ गया होगा, या फिर मैं भी बता देती हूँ। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कम्स एज अ पार्ट ऑफ एन एंटायर पेपर विच इज पॉलिटी प्लस पबेड। अब विडंबना ये है कि क्राउड इतना ज़्यादा फोकस्ड हो जाती है पॉलिटी प्रिपेयर करने में, बिकॉज ट्रेडिशनली पीसीएस के आंसर्स जो हैं वो हिस्ट्री एंड पॉलिटी पे बहुत फोकस्ड रहते हैं। बट अगेन, चेंजिंग सिनेरियो के साथ पीसीएस का डिज़ाइन, क्वेश्चंस के डिज़ाइन और आंसर की जो आंसर लिखते वक्त जो फोकस है, उसमें भी बहुत शिफ्ट आया है। और अगर आप एज स्टूडेंट्स उस शिफ्ट के हिसाब से नहीं खुद को ढालते हैं, तो उसका खामियाजा आपको रिजल्ट्स में भुगतना पड़ता है। जेपीएससी के साथ साथ मैं ये भी बता दूं, मैंने 64th बीपीएससी के इंटरव्यू के लिए भी मैं अपियर हुई हूँ। वो भी मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो ऑफकोर्स वहाँ उसमें भी प्रिलिम्स और मेंस का प्रिपेयर करने के बाद इंटरव्यू तक में मैंने बहुत सी अलग अलग चीज़ें रियलाइज़ की और सीखा है। ऑफकोर्स उसका फ़ायदा भी आप लोगों को पहुँचेगा। कमिंग बैक टू पबेड, विडम्बना ये है कि वो पेपर जो है, इट इज़ डिवाइडेड, आई बिलीव इट्स पेपर फोर, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, जेपीएससी पेपर फोर इज पॉलिटी प्लस पबेड। पॉलिटी पे इतना फोकस हो जाता है कि वी टेंड टू फॉरगेट कि 50% ऑफ द पेपर जो है वो पबेड है, और उसकी आंसर्स अगर हम काम चलाओ तरीके से लिखेंगे तो इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट आर एंटायर पेपर फोर। और ये भी एक ट्रिक हो गई 6th जेपीएससी में, जहाँ पे लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अगेन लुक्स वेरी सिंपल, बहुत ही डे टू डे जनरल चीज़ लगती है। मैंने अपने तैयारी के दौरान, जब मैं कुछ अपने मेंटोर्स थे जो ऑलरेडी बिहार में और झारखंड में प्रॉपर प्रतिष्ठित पब्लिक ऑफिसर्स हैं, पब्लिक सर्विस ऑफिसर्स हैं ऑलरेडी, उनसे मैं हेल्प लिया करती थी फ़ोन पर या टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पर मदद या गाइडेंस लेती थी। तो वो भी इस रिफ्लेक्शन पे, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने जब क्वालिफाई किया है वो 5-6 साल पहले की बात है, तो उनका भी ये आइडिया है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ पेपर, अगर जब तक आपका ऑप्शनल नहीं है, बहुत ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जस्ट एक आपका, आप पब्लिक सर्विस ऑफिसर हैं तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे ही, पर ऐसा नहीं है। मैंने एचआर में एमबीए किया है,
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के मैंने 2 साल के अक्रॉस अराउंड 8 पेपर्स पढ़ी हैं एंड आई नो इट फॉर अ फैक्ट कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ सब्जेक्ट जनरल नहीं है, इट्स अ स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट. वो साइंस के अंदर भी आता है और आर्ट के अंदर भी आता है. तो ये ऑफकोर्स हम क्लासेस में डिस्कस करेंगे. उसकी भी वेरियस स्कूल्स हैं, थॉट्स हैं, उसके वेरियस स्कॉलर्स हैं जिन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज दी हुई हैं. और जब क्वेश्चन पेपर आता है तो स्टूडेंट एक्सपेक्टेड है स्टूडेंट से कि वो उन थ्योरीज को, उन स्कूल ऑफ थॉट्स को प्रॉपरली पेपर पे पुट डाउन करे. इट इज़ नॉट अ जनरल पेपर. आपके राह चलते एक्सपीरियंसेस और एग्जाम्पल्स को लिखने से आपकी स्कोर्स नहीं आएंगी, इतनी नहीं आएंगी कि आप पेपर क्लियर कर सको. सो यस, वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हम वो सारी चीज़ें देखेंगे. मैं सारे एस्पेक्ट्स जो हैं, एक एक टॉपिक के 4 से 5 डायमेंशंस हैं जो JPSC का सिलेबस है उसके अंतर्गत. तो ऑफकोर्स हम वो भी एक एक करके पढ़ेंगे. एंड लाइक आई हैव प्रॉमिस्ड यू, पढ़ाने के दौरान मैं आपसे जैसे जैसे मुझे फ्लैश करता जाएगा मैं आपको वेरियस टिप्स, ट्रिक्स, स्ट्रैटेजीज बताऊंगी जो मैंने यूज़ किए हैं और उससे मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं. ऑफकोर्स जो मेरे ट्रायल एंड एरर्स थे, जो काम नहीं आए, वो मैं आपको नहीं बताने वाली हूँ. सो यस, दैट इज़ समथिंग. आई होप आपको एक फेयर आइडिया मिल गया होगा कि आपको इकोनॉमिक्स और पब एड में क्या हेल्प मिल सकती है. अगर आप चाहेंगे तो हम इंग्लिश के लिए भी एक ऐसे ही छोटी सी सैम्पल क्लास कर सकते हैं. आई नो इट्स टू अर्ली. हमें और ई ज्ञान सागर जो हमारे पार्टनर्स हैं, हमें ऐसा नहीं लगा कि अभी ही ज़रूरत है इंग्लिश एज अ पेपर 2 की गाइडेंस की. बट अगेन वी रिस्पेक्ट योर व्यू. करना आपको है, पढ़ना आपको है. वी आर ओनली हियर टू फैसिलिटेट. सो इफ़ यू वॉन्ट, हम यू कैन कॉन्टैक्ट ई ज्ञान सागर और हम उसके लिए भी एक आपके बेसिक आइडिया के लिए एक शॉर्ट क्लास कर सकते हैं. सो आई होप पिक्चर काफ़ी क्लियर हुई होगी. आई एम श्योर मैं आपके कुछ मेंटल ब्लॉकेजेस इन 20-25 मिनटों में क्लियर कर पाई होंगी. एंड या आई थिंक वी कैन मूव अहेड एंड आई विश टू सी यू विद गुड सक्सेस एंड रिजल्ट्स इन इट. थैंक यू सो मच.